हेलो गाइस, सोशल कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में गाइस आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में ठीक होंगे, मस्त होंगे और गाइस एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस मैं बता दूं कि आज मैं जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में आया हूँ और जहाँ पे कि फूलों की फार्मिंग होती है। तो गाइस आपको मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ बताऊँगा कि कैसे फूलों की फार्मिंग होती है, कैसी रहती है, क्या ये फ़ायदेमंद है फूलों की फार्मिंग करना। तो सब कुछ इस वीडियो में बनेगा, तो इसमें सारी डिटेल मिलेगी गाइस। तो आज का ब्लॉग छोटा सा रहेगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। और यहाँ देख सकते हो काफ़ी प्लेन एरिया है हमारा, जो गांव का इलाका है जम्मू कश्मीर में। देख सकते हो यहाँ पे अभी फूलों की वो सीज़न है और अभी तोड़ रहे हैं। और यहाँ देख सकते हो हमने यहाँ पे इकट्ठे भी किए हैं काफ़ी फूल, और काफ़ी दिवाली से पहले तो उनकी तैयारी होती है कि दिवाली पे स्पेशली इसके यहाँ सीज़न होता है असल में, उसके बाद आगे त्यौहार आते रहते हैं तो ये बिकते रहता है। और आपको मिलाते हैं यहाँ के जो ऑनर है उनसे मिलाते हैं और देखते हैं क्या आपको राय दें। भैया तो आपको ये फार्मिंग करते हुए कितने साल हो गए? 10 साल हो गया है। 10 साल? और क्या आप इंटरक्रॉपिंग भी करते हो बीच बीच में? हाँ, ये इंटरक्रॉपिंग मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, इसमें हम अभी 2-3 फसलें एक साथ लगाते हैं, फूल हो गया, मक्की हो गई। तो क्या अच्छा लगता है आपको, मतलब फूलों का जो व्यापार है अच्छा रहता है? हाँ, ये बहुत अच्छा व्यापार है, प्रॉफिट भी होता है। ठीक, तो जो हमारे किसान भाई हैं या जो हमारे दर्शक हैं सोशल कम्युनिटी की फैमिली को कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के जरिए? करो, कोई भी चीज़ है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी छोटा बड़ा जो भी हो उसमें अपनी मेहनत करो। और ये फूल का बिजनेस है, ये भी अच्छा है, इसमें भी काफ़ी प्रॉफिट है, ये भी आप कर सकते हैं। तो भैया शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, फिर नई एक वीडियो के साथ आपके साथ ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो तब तक लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इस टाइम? इस टाइम पे हम फूल उठा रहे हैं क्योंकि मौसम है, फूल पक गए हैं और काफ़ी अच्छा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि फूलों का जो बिजनेस करना चाहिए और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस लगा मुझे। क्वालिटी की आप देख सकते हो क्या वैरायटी है और कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं, क्या इनका रंग है और तरह तरह के फूल होते हैं। आप देख सकते हो ये वाले जो फूल होते हैं नॉर्मल रेट में मिलते हैं, इसके अलावा ये वाले जो हैं ये थोड़े हाई रेट पर मिलते हैं, मार्केट में इनकी काफ़ी डिमांड रहती है अक्सर, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे। तो गाइस ये और किसानों को आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हो? किसानों को मैं यही फ्लावर के बिजनेस से मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी ये फ्लावर का बिजनेस करें तो सोच समझ के करें, आंखें बंद करके ना करें। तो जो भी यहाँ पे करें तो मिक्स करें, कोशिश की मिक्स क्रॉपिंग करके, मतलब कि पहले मक्की लगाएं, फिर फूल लगाएं, फिर उसके बाद आप इंटर क्रॉपिंग ज़रूर करें। उससे क्या होता है हमारी जो सॉइल है वो हेल्दी रहती है, उसमें न्यूट्रंस मिनरल्स सारे। यहाँ पर आपने कितने एरिया में ये फूल लगाए हैं? ये लगभग मेरे पास 4 कनाल है लगभग यहाँ पे। ये गाइस आप लोग देख रहे हो ये काफ़ी एरिया है जहाँ पर फूलों की कल्टीवेशन की गई है। तो सोशल कम्युनिटी के सारे मेंबर्स को मैं एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि फूलों का बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो मेरे जैसा तो करें, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ करें, छलांग ऐसी आंखें बंद करके ना मारें और काफ़ी इसमें भी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, नुकसान भी कभी कभी उठाना पड़ता है। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ अभी आपको बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन ज़रूर मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मिलेंगे।